भदोही जिले के ऊंच थाना क्षेत्र के सोबरी गांव में बंद बोरे में एक 18 वर्षीय युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बड़े ही निर्मम तरीके से हाथ पर बांधकर युवती की हत्या की जाने की आशंका जताई जा रही है। युवती गोपीगंज थाना क्षेत्र के सीखापुर गांव की रहने वाली थी। उधर परिजनों ने गोपीगंज पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सीखापुर चौराहे पर हंगामा किया है। हंगामे की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स के अलावा पीएससी के जवानों के साथ जिले के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मृतका के परिजनों ने गोपीगंज पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे एक बार फिर भदोही पुलिस विवादों के घेरे में घिरना तय है। आपको बता दें कि गोपीगंज थाना क्षेत्र के सीखापुर गांव के रहने वाले श्याम किशोर पांडे की बेटी शेषी शशिकला की पिछले एक साल पहले शादी हुई थी। मृतका के पिता ने बताया कि 14 मई को उसकी बेटी शौच के लिए गई हुई थी और काफी देर बाद जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसके बाद परिवार वालों ने थाने पर जाकर नामजद तहरीर देकर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और अपहरण का मामला दर्ज कराया। लेकिन भदोही जिले के जाबाज पुलिस का कर्तव्य देखिए, नामजद तहरीर देने के बाद भी पुलिस अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर ली और ये मुकदमा केवल कागजों तक ही सीमित रह गया। यही नहीं, भदोही जिले के गोपीगंज पुलिस के जाबाज पुलिस के एक और कर्तव्य सुनिए। परिजनों ने गोपीगंज पुलिस पर 2000 रुपए रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है, जिसे चौकी इंचार्ज अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा सके और भाग दौड़ कर सके। ये सब कई गंभीर आरोप मृतका के पिता ने और माता ने गोपीगंज पुलिस पर लगाए हैं। शनिवार को ऊंच थाना क्षेत्र के सोबरी गांव में मृतक युवती का शव हाथ पैर बांधकर बोरे में बरामद हुआ है। लाश के हाथ पैर बांधकर जिस तरीके से फेंका गया है, उसे प्रतीत हो रहा है कि बड़े ही निर्मम तरीके से दरिंदों ने युवती की हत्या की है। उधर लापता बेटी का इतनी क्रिटिकल कंडीशन में लाश मिलने से परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। गांव सहित सीखापुर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शनिवार की सुबह पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के बाद लड़की की लाश परिजनों को दी तो परिजनों का आक्रोश पुलिस के खिलाफ फूट पड़ा। परिजनों ने सीखापुर चौराहे पर लाश को रखकर चक्का जाम करके हंगामा करने लगे। पुलिस के खिलाफ हंगामा और चक्का जाम होने की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स के अलावा पीएससी के आला अधिकारी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों के काफी मान मनोवल के बाद अधिकारियों ने कई कड़ी आश्वासन देकर अधिकारियों ने दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम समाप्त करवाया। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई तो इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है? आखिरकार गोपीगंज पुलिस इतनी निर्दयता, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? ये सब जांच का विषय है।